यू गॉट हाउ मच ओनली 7 मार्क्स पास हो गए ना, क्या पास हो गई? पास भी नहीं हो गए। अच्छा क्या इसको पास बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में? ये पास है ही 35% ओनली। मैं भी पढ़ रहा हूँ सर आपके साथ। ठीक है ना, ओनली 35% यू गॉट। आज कोई टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा है जरा? मैंने आज यूनिट टेस्ट दिया है इनका। कुछ अगर डिस्कस हो तो मैं भी शरीक हो जाता हूँ, मेरे चैनल पे भी आ जाएगा और मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी ये तो आपको अच्छा लगेगा। रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है आपकी? नहीं, अपने चैनल के लिए मैं चाह रहा था और मैंने परमिशन नहीं ली है, मुझे एहसास हो रहा है, आई एम सॉरी। नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फुल परमिशन है, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। नहीं एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ अरे नहीं मुझे इकोनॉमिक्स माशाल्लाह, एंड थोड़ा तो रिकॉर्ड में रखना है। अब कल फिर से एक टेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तो कर लिया। हाँ क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी मैं भूल गया सर की बात। नहीं अरे एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया था? उसने बोला था कि पाई पिज़्ज़ा लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ अपना बाजार लिमिटेड। पाई पिज़्ज़ा ने अपना बाजार का बिजनेस टेक ओवर कर दिया फॉर द परचेज कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 8 लाख इन विच दे टुक ओवर एसेट्स ऑफ रुपीज 12 लाख लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 3,50,000। ठीक है, किया क्यों नहीं था पहले? ठीक है, 3.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी आई थी। तो इन टोटल हम क्या एज्यूम करेंगे, 12 महीना 3.5 कितना बचेगा? 8.5 लाख पेमेंट हो रही है 8 लाख रुपए की। 50,000 जो एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है उसके बदले का क्या मानते हैं? रिजर्व। ठीक, उसके बाद में बोला गया है ₹1 लाख पाई चेक दे पेड टू अपना बाजार। अपना बाजार को पेमेंट कैसे करिए? पाई पिज़्ज़ा ने 1 लाख बाई चेक एंड द रिमेनिंग बाई द इशू 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 30% डिस्काउंट। ये खास बात थी बस क्वेश्चन की, बाद में जो बात लाइन कही गई है। तो एंट्री बनाते हैं ऐसे, क्या लिखते हैं? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हाउ मच 8 लाख। फिर मैंने बताया कि एक लाइन छोड़ दोगे तो गलती का प्रोबेबिलिटी एकदम खत्म ही हो जाएगी। यहाँ पे लिखती है सेंट्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की टेक ओवर करी गई? लाइबिलिटीज टेक ओवर करी गई 3.5 लाख रुपए एंड हाउ मच वी आर पेइंग टू अपना बाजार। जिस बंदे से बिजनेस टेक ओवर किया गया उसका नाम आ जाएगा अपना बाजार लिमिटेड ऑफ रुपीज 8 लाख। दिस बिकम्स 11.5 लाख। देर इज अ डिफरेंस डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 50,000। तो वी विल 50,000 की डेफिशिएंसी 8, 13, 11, 11.5 11.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है ना, 3-4 लाख रुपए की वो है। अरे जी भूल से हो गया ना, 12 लाख चाहिए। 12 करो 8, 13, 11, 11.5 12 हो गया ना टोटल। कैपिटल रिजर्व नीचे क्रेडिट साइड पर अगर बैलेंस कम आता है तो उसको रिजर्व में ट्रीट किया जाता है, रिजर्व है वो हमारे लिए। अच्छा आप तो कह रहे थे कि डिबेंचर में कैपिटल रिजर्व लगता ही नहीं है। ये बात कभी कही नहीं, फिर बाद में पेमेंट करना है तो लिखेंगे पेमेंट किसको करी जा रही है? अपना बाजार को। तो अपना बाजार लिमिटेड डेबिट तो भी 8 लाख क्या पेमेंट करी जा रही है? 1 लाख रुपए तो इनको बैंक से दिए हुए तो लिखेंगे तू बैंक अकाउंट, जैसे कि उसने बोला है। बाकी बचते हैं 7 लाख रुपये। 7 लाख रुपये के बारे में कहा था कि हम डिबेंचर की फॉर्म में पे करेंगे, बट डिबेंचर आर बीइंग इशूड एट 30% डिस्काउंट मींस द इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर इज ₹70। सो वी विल डिवाइड द अमाउंट बाई 70, इट बिकम्स 1 लाख। वी विल इशू, इट बिकम्स 10,000। वी विल इशू 10,000 डिबेंचर्स। तो यहाँ पर लिखा जाता परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। मैंने बताया परसेंटेज के सामने फुल अमाउंट जाता है 10,000 × 100। अब ये हो जाएंगे 10 लाख रुपये, 10 और 11 और इधर है 8 लाख। तो 3 लाख का जो डिफरेंस आया वो ऊपर चले जाएगा डिस्काउंट की शक्ल में, बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट है। सिर्फ ये दो एंट्री बनानी थी, बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कभी कभी, बस दो एंट्री बनानी थी, 4 नंबर का क्वेश्चन था।
लेकिन क्वेश्चन इतना बेहतरीन था कॉन्सेप्चुअल, घूमा फिरा हुआ, बट क्वेश्चन तो हमने ऐसे किए हैं ना, नया तो कुछ था ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया करूंगा मैं पेपर में, कुछ क्वेश्चन ऐसे क्या करूंगा पेपर बना के दिया करूंगा, भूपा जी के साथ में बैठ के कर लिया करना, भूपा जी आपने इनके टेस्ट ले लिया करिएगा, बस बैठ जाए करिएगा आधे घंटे के लिए पेपर में बना हमें तो इनके सब्जेक्ट से थोड़ा, आप कुछ नहीं करना है, बस बैठना है ये करते रहेंगे, या लगना चाहिए कोई इन्वेलेटर बैठा हुआ है बस, मतलब चीटिंग से बचाने के लिए, जी 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 वो भी थोड़ा सा ये है कि इन्वायरमेंट से ही बचाने के लिए, कोई डिस्टर्ब वगैरह ना करे इनको। तो अभी तो इनका आपने कल पे वो लिया था, ये क्लास का है ये यूनिट टेस्ट है आज का लिए, अच्छा अच्छा होम प्रैक्टिस, अच्छा 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 नहीं क्लास में परफॉर्मेंस तो अभी उम्र का अच्छा है, क्लास में अच्छा है बट थोड़ा सा ये है कि अभी जो है उतना नहीं हो पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ अच्छा हमने इसमें अभी बात ये भी है, टेस्ट का लेवल भी अच्छा था काफी, एकदम बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन दिए थे उमर अकेडमी में, पेपर हुआ था हमारी अकेडमी का नाम है उमर अकेडमी, और भी पूरी बहुत सारा उमर जी, हाँ चल रहा हूँ मैं उमर, बहुत टाइम हो गया जी, एक सवाल बता दिए मुझे बस, वो शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है? भाई शेयर डिबेंचर में ये डिफरेंस होता है, शेयर कैपिटल की फॉर्म होती है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ, शेयर की डेफिनेशन क्या है बेसिकली, कोई भी अगर आपसे पूछ ले इन जनरल, इवन इवन इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, शेयर इज अ यूनिट ऑफ कंपनीज कैपिटल, शेयर इज अ यूनिट ऑफ कंपनीज कैपिटल, कंपनीज कंपनीज कैपिटल, अच्छा जो कंपनी पैसा इशू करती है या जितना भी लग रहा होता है उसके टुकड़े शेयर कहलाते हैं, जिस तरीके से ये वॉल ब्रिक्स की शक्ल में बनाई गई है, तो ब्रिक इज द यूनिट ऑफ दिस वॉल, घर की यूनिट ब्रिक्स है, मकान की है, सेल इज द यूनिट ऑफ अवर बॉडी, सिमिलरली शेयर इज द यूनिट ऑफ कंपनीज कैपिटल, ओके ये सेंटेंस की यूनिट कह सकते हैं, वर्ड को उसको कह सकते हैं, लेटर को कह सकते हैं, इस तरीके से बात आ रही है कि डिवेंचर की, तो डिवेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, डिवेंचर एक लोन की शक्ल होती है, जो शेयर होते हैं शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स हमेशा क्रेडिटर्स रहते हैं, उन्हें रिटर्न करना होता है पेमेंट, इसीलिए आपने देखा है उसके अंदर हमने डिवेंचर का रिडम्शन सीखा, बट शेयर का रिडम्शन नहीं होता, शेयर को रिडीम नहीं किया जाता, बल्कि शेयर का पेमेंट रीपे करा जाता है एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अपॉन लीन, जब कंपनी वाइंड अप करी जाएगी, बंद करी जाएगी, देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर द क्लोजर ऑफ द कंपनी, बाइंडिंग अप, वाइंड अप का वर्ड यूज करा जाता है उसके लिए, सो शेयर्स अमाउंट इज बीइंग रिडीम्ड और रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, क्या अरे बालू का ट्रैक्टर आ गया कोई है नहीं है, बालू का ट्रैक्टर आया कोई है नहीं, सुनो शेयर होल्डर सिर्फ अपने शेयर को ट्रांसफर कर देता है, उसे रिडेम्पशन पेमेंट रिसीव कभी होती है इन लम सम, ये बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ना वो ये है कि जो शेयर होता है ना उसका रिटर्न एक्चुअल होता है, और जो डिबेंचर होता है उसका रिटर्न फिक्स होता है 9% 12%, जितना फिक्स हो गया एग्रीमेंट में वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और उसे भी वाइंड अप कर दो, कैसे वाइंड अप करो, क्लास चल रही है भाई,